मोहनपुर प्रखंड के चंदा गांव में दबंगों के खौफ के कारण खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को विवश है महादलित परिवार। दबंगों के आगे बेबस नजर आ रहा है प्रशासनिक व पुलिस महकमा। मोहनपुर प्रखंड के चंदा गांव में काफी वर्षों से रह रहे इंद्रदेव पासवान का परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करने को विवश है। पिछले दिनों हुए बारिश में इंद्रदेव पासवान का मिट्टी का घर गिर गया। इसके बाद जब उन्होंने टूटे घर की मरम्मति करनी चाही तो गांव के ही दबंग लोग तिलक यादव, संजय कुमार आदि ने उस जमीन जिस पर वर्षों से इंद्रदेव पासवान का परिवार रह रहा था खुद की बताकर मकान की मरम्मति रोक दी। हालांकि उक्त जमीन इंद्रदेव पासवान के पूर्वजों को परवाना के रूप में सरकार के द्वारा दी गई थी। मामले को लेकर जब पीड़ित के द्वारा मोहनपुर थाना और अंचलाधिकारी के यहां शिकायत की गई तो वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी। क्या समस्या आपको, क्या परेशानी? समस्या यही सर, 2000 जमीन में अजय लाल घर नहीं उठाने दे रहा है, गिर गया। घर कैसे गिर गया? पानी भर दिया, अब इन्हें से रोक गया, पानी से ढूक गया। अच्छा, तो उसके बाद घर बनवा रहे अभी? हाँ, बना रहे हैं सर, तो बनाने तो क्या परेशानी है, कौन रोक रहा है? अजय लाल रोक रहा है, चले जा रहा है, संजय यादव अखिल कुमार रोक रहा है। क्यों रोक रहे हैं लोग? रोक रहे हैं कि हमारी जमीन, हम तो बोध ज्ञान पर चले सर, बोध गया पर। ये जमीन आपकी है, कैसे मिली आपको? हमको मिला है, परचा से मिला है। कब से यहाँ रह रहे हैं? हमको बाबू जी माँ सब रह रहे हैं। तब कैसे वो कह रहे हैं कि हमारा जमीन है? जबरदस्त है। तो इसकी सूचना थाना वगैरह में दिए हैं? हाँ, सीओ साहब कह रहे हैं बनाने के लिए, से नहीं मान रहे हैं। बड़ा बाबू कह रहे हैं से नहीं मान रहे हैं। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? घर बनाना। कितने घर में लोग हैं आपके, कौन कौन हैं? हम लोग हैं 12-13 परिवार। बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं? हाँ। आप क्या करते, क्या हैं आप? हम खाली खेती रहती करते हैं, जोतते पोतते हैं, खाते कमाते हैं, उसी से जीवन चलता है। इसी जीवन चलता है। ठीक है, अपना नाम बताइए। नरदेव। कौन सा गांव हुआ? चंदा गांव हुआ।